हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों आज हम आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। इस टेस्ट में आपके सामने 10 क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमें और कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है। और दोस्तों इनके बारे में मैंने पहले भी अच्छे से एक एक टॉपिक करवाया है, अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम ये मॉक टेस्ट देखते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छा कर लीजिए, ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे जाए। इसके लिए दोस्तों आपको राइट साइड में कॉर्नर पे 3 डॉट दिखाई देंगे, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमें क्वालिटी पे क्लिक करना है, और उसके बाद में हमें नीचे ही नीचे 720p जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। ऐसा करने से हमारी वीडियो वो बहुत अच्छी आपको दिखाई देगी। तो चलिए दोस्तों अब हम मॉक टेस्ट पे आते हैं। ये देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर इन्होंने रिसर्च के बारे में पूछा हुआ कि जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है वह कहलाता है, यानी कि जो इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए जो शोध रिसर्च यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इसके बारे में बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है अभी तक, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में आपको पहले की जो वीडियो थी उनमें समझाया है। अगर किसी को वो देखने तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, यानी कि जो शोध हमें इमीडिएटली यानी कि जल्द से जल्द करनी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध कहा जाता है। और देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इन्होंने एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में पूछा हुआ है कि एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कि कार्योत्तर शोध का अर्थ क्या होता है, ये हमें बताना है। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इसके बारे में भी मैंने बताया कि एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होती है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, घटना के बाद जो शोध की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्योत्तर शोध। यानी कि कोई घटना घट गई और उसके बाद में हमें शोध करनी है कि इसका क्या प्रभाव रहा और इसे किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कोई बीमारी वगैरह फैल गया, कुछ भी हो गया, यानी कि कोई घटना हुई उसके बाद जो शोध की जाती है उसे हम कहते हैं कार्योत्तर शोध। ये भी मैंने आपको करवाया है पहले। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी कि इस इन सभी 4 ऑप्शन में हमें प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है वो हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन सा है। और इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन से होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो बताइए अब इसका आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसके अंदर होगा दोस्तों स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो होती है, सत्रबद्ध प्रतिदर्शन, यानी कि एक योजनाबद्ध तरीके से जो सैम्पलिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाता है। और ये जो होगी जैसे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, ये सभी क्या होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई, और ये हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। इन सभी के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अब उन्होंने पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा हुआ था, अब इन्होंने नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, वैसे सभी को इसका आंसर पता है फिर भी। ये देखिए इसका आंसर होगा कोटा सैम्पलिंग। अभी जो मैंने बात की थी पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या आया था, कोटा सैम्पलिंग आया था। तो ये दोस्तों ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन का ही टेस्ट ले रहे हैं हम, ताकि आपको अच्छे से लर्निंग हो जाए। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे।
इसके अंदर इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर जया पयाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। अब एक चीज़ देखिए, इन्होंने सिद्धांत दिया, ठीक है, तो अब हमें ये देखना कि किस तरह की रिसर्च है इसके अंदर, बताइए। और मैंने इनके बारे में भी अच्छे से बताया, अप्लाइड क्या होते हैं और एक्शन क्या होते हैं, इवेल्यूएशन रिसर्च क्या होती है, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, इन सभी के बारे में बताया है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा मौलिक अनुसंधान, यानी कि हमारी जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो होगी। देखिए फंडामेंटल रिसर्च का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस शोध के अंदर हम कोई सिद्धांत नियम वगैरह बनाते तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसिक रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान है, यहाँ से आसानी से आंसर दे सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन पेपर में। इसमें कहा है कि शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है, यानी कि शोध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए ये हमें बताना है। दोस्तों ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, इसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। तो इसके अंदर आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में बताया है पहले, तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा सभी को। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं रिसर्च करने के लिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसके क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं अनुसंधान प्रश्न तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है। और अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है ये हमें बताना है, यानी कि एक्शन रिसर्च के जो स्टेप है वो हमें बताने हैं, और ये बताइए इसमें क्या होगा। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपके जो भी आंसर आ रहे हैं वो साथ के साथ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और सभी दोस्त अपने अपने बताना कि 10 में से कितने आंसर ठीक है सभी के, ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस लेवल पर और आगे से तैयारी करनी है। तो ये हमारे लिए आपका फीडबैक देना दोस्तों मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा, ये भी मैंने आपको अच्छे से करवाया है। अगर आपने मेरी सभी वीडियो देखे तो इन क्वेश्चन के आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा कम से कम भी 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन पेपर में, और 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था जुलाई का, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बताया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अंदर मैंने सभी स्टेप बताए रिसर्च के अंदर होते, कम से कम 6 से 7 स्टेप बताए अलग अलग, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च करते तो क्या होता है, एजुकेशनल रिसर्च में क्या होता है, एक्शन रिसर्च में क्या होता है, इस तरह से सभी के स्टेप बताए हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, इन्होंने कहा है कि एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता अनुमत्ता पर पोषण विधि के प्रभाव का आंकलन करने का प्रयास करता है, कौन सी शोध विधि इसके लिए प्रयुक्त होगी। अब देखिए इसमें बताइए, आपको दोस्तों थोड़ा सा बस ध्यान लगाने की ज़रूरत है तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता देता हूँ, ये देखिए प्रभाव का आंकलन इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि इफ़ेक्ट का पता करना हो हमें तो किस तरह की शोध होती है इसके अंदर, तो आप बताइए, मैंने ये भी आपको करवाया हुआ है, तो सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा दोस्तों ये हमारा कार्योत्तर पद्धति, यानी कि कार्योत्तर का मतलब होता है एक्सपोस्ट फैक्टो। दोस्तों एक्सपोस्ट फैक्टो में मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि कोई घटना घट गई है, ठीक है, उसके बाद में उसके क्या इफेक्ट होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में हम शोध करते, तो ये क्या होगी, एक्सपोस्ट फैक्टो होगी। तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान है अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों इसके इन सभी के बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, हमारी पिछली वीडियो देखना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में लगाइए,
ये देखिए, हमें स्टेप बताने, रिसर्च के स्टेप क्या क्या होते हैं वो हमें करने हैं। तो इसमें बताइए दोस्तों, क्या आंसर हो सकता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, और यही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमारा जुलाई 2018 में भी आया है और आगे भी आने की संभावना है। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, और आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। देखिए, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए दोस्तों, ये कैसे होगा? वैसे तो हम इसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। इन्होंने सी सी और डी के अंदर ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले दिया है। ये देखते हैं हम, लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं, ए और बी में एक दिया है, ये हो गया आइडेंटिफाई ऑफ प्रो रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, उसके क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा या तो ए होगा या फिर बी होगा, ये हमें देखना है। और उसके बाद में अगर हम ये देखें तो 1 2 3 4 5 6 ये बिल्कुल सेम है, पहले 1 और 2 ठीक है, और बाद में 5 और 6 ये भी सही है, और हमारा गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, 3 आएगा या 4 आगे आएगा ये हमें देखना है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं, 3 और 4 के अंदर देखिए, 3 ये है और 4 ये है, कलेक्शन ऑफ डेटा और मेथडोलॉजी। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, पहले मेथडोलॉजी यानी कि कार्य प्रणाली अपनाते हैं, पहले देखते हैं कि क्या मेथड होगा, किस तरह से रिसर्च होगी हमारी, और उसके बाद में हम डेटा कलेक्शन करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। दोस्तों, इन सभी के बारे में मैंने जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च वीडियोस में अच्छे से बताए, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट। इसके अंदर इन्होंने पूछा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन, यानी कि जो हमारी मूल रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च होती है, उसके जो प्रिंसिपल या नियम कायदे कानून हमने बनाए हैं वो कौन सी रिसर्च के अंदर हम यूज करते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, इसके आंसर, इसके अंदर क्या आंसर हो सकता है? क्रियात्मक होगा, अनुप्रयुक्त शोध होगा, दार्शनिक शोध होगा, ऐतिहासिक होगा, क्या होगा? सोचिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, और सभी आप अपने आंसर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, किसके कितने ठीक है। ये देखिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका आंसर है अप्लाइड रिसर्च। देखिए, अप्लाइड रिसर्च के अंदर क्या होता है कि जो हम फंडामेंटल यानी कि बेसिक रिसर्च में नियम कायदे कानून बनाते, वो इसी के अंदर अप्लाई किए जाते हैं। तो इसका आंसर ये बी हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी के आंसर आप ज़रूर बताइए कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने गलत हैं, ताकि हम आगे अच्छे से स्टडी आपको करवा सकें। और दोस्तों, एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट nimiji.net पर आपको बहुत सा स्टडी मटेरियल मिल सकता है, पेपर फर्स्ट से रिलेटेड और सेकंड से रिलेटेड, जैसे कि सिलेबस मिल जाएगा, ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, फ्री स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, और बेस्ट रेफरेंस बुक भी वहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर सेकंड के लिए आपका जो है। तो दोस्तों, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए, www.nimiji.net को। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।